आईसीसी ने फरवरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया। इस लिस्ट में भारत की इनफॉर्म ओपनर यशस्वी जायसवाल, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के पथुम निसंका का नाम शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने अब तक दमदार प्रदर्शन किया है और पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। हैदराबाद टेस्ट 28 रनों से हारने के बाद भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन जायसवाल के शानदार फॉर्म की बदौलत भारत ने वापसी की। यशस्वी ने विशाखापट्टनम और राजकोट में बैक टू बैक दोहरे शतक लगाए, साथ ही टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने सर्वाधिक 12 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। 22 साल के जायसवाल ने फरवरी के अंत में 112 के औसत से कुल 560 रन बनाए। 22 साल और 49 दिन की उम्र में बैक टू बैक दोहरे शतक ने उन्हें सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और विनोद कांबली के बाद टेस्ट में 2 दोहरे शतक बनाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज के रूप में पहचान लिया है। जायसवाल ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 25 चक्र में अग्रणी रन स्कोरर सूची में भी शीर्ष पर पहुंच गए। और फिर बात करते हैं दूसरी ओर विलियमसन का। मार्च 2023 के बाद पहली बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका पर न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट श्रृंखला जीत में शतकों की एक और श्रृंखला सुर्खियों में रही है। फरवरी के दौरान विलियमसन ने 2 टेस्ट मैच में 403 रन बनाए, उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला। इस बीच निशंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के हालिया 3 वनडे और 3 टी20 में शानदार प्रदर्शन किया। फरवरी 2024 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से भी यूएई की कविशा एगोडेज और ईसा ओझा की जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया। तो मतलब कह दीजिए कि जहां एक तरफ भारत पहला टेस्ट मैच हारती है, इंग्लैंड जीतती है, सभी को लगा था और भविष्यवाणी भी की थी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कि इंग्लैंड भारत से 5-0 से जीत जाएगी, लेकिन फिर क्या होता है भैया, दूसरे टेस्ट मैच से यशस्वी जायसवाल की फॉर्म वापस आती है। एक 22 साल का लड़का, 49 दिन उसकी उम्र है, 22 साल 49 दिन उसकी उम्र है, और वो बड़े बड़े एंडरसन को 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए और दोहरा शतक लगाया, बैक टू बैक दोहरा शतक। इसके बाद फिर जब दूसरी पारी आती, मतलब चौथा जो उसमें मैच चालू होता है, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल बन सकते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के, और केन विलियमसन भी इसमें नाम है क्योंकि बहुत ही अच्छी पारी केन विलियमसन ने खेली थी, और इसके बाद निशंका। तो ये 3 बल्लेबाज हैं जिनका नाम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, आईसीसी ने चुना। अब देखने वाली बात है कि इन तीनों में से किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिलने वाला है। वैसे तो सबको लगता है कि भैया बैक टू बैक शतक लगाया किसने, यशस्वी जायसवाल ने, तो शायद बर उनको ही अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।